हम मैं आमंत्रित करूंगा हमारी संगम विहार से प्रत्याशी पूनम झा आजाद जी को, वो आए हमें संबोधित करें, आप लोग जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। कोई बात नहीं, बोल रहे, बोल देंगे। परम आदरणीय हमारे गार्जियन राहुल गांधी जी, हमारी तेज तरार नेत्री प्रियंका जी, सम्मानित मंच, भाई बहन और मेरे युवा साथी, आप सबको पूनम आजाद का प्रणाम, नमस्कार। आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम चूंकि संगम विहार की ही बात करेंगे। संगम विहार में भारी मात्रा में हमारे समाज के लोग रहते हैं और गत 25 साल से हम दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि प्रवासी नेता के रूप में हमारी दिल्ली में पहचान है। और आज धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को जिन्होंने मुझे प्रत्याशी के रूप में संगम विहार से उतारा है। आप और सबसे बड़ी, आपके पास मुख्य रूप से तीन प्रत्याशी हैं, एक गुप्ता जी जो जदयू से खड़े हैं, आप लोगों ने 5 साल उनके कार्यकाल को देख चुके हैं, उनके कार्यकाल में कुछ भी संगम विहार में नहीं हुआ, उन्होंने संगम विहार को जंगल घोषित कर दिया जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। दूसरे प्रत्याशी हैं जो अभी वर्तमान में विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि हम लोग पुरवैया लोग हैं, बड़ी आदर से बात करते हैं, हम भी बड़ी आदर से उनका कहेंगे, हमारे प्रिय भाई दिनेश मोहनिया जी। भाई दिनेश मोहनिया जी, आपकी यह बहन पूनम आजाद जानना चाहती है कि आप तो कहते हैं, लोग कहते हैं आप तो विधायक है संगम विहार के, यह तो बताइए कि पिछले 4.5 साल आप कहां थे? 4 साल तो आप दिखाई नहीं दिए। और बताइए कि हमारी संगम विहार में सड़कें कहां हैं? सड़कें हैं कि नाली है कि गड्ढा है कि कूड़ा है, पता नहीं चलता। अगर हमें इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़े तो सड़कें पे ही लोगों की मौत हो जाती है। महिलाएं अगर प्रसव में है तो वो रास्ते में उनकी डिलीवरी हो जाया करती है। ये संगम विहार को आपने एक कुआं बना दिया है जो अंदर में लोग तरफ तरफ के मर रहे हैं, बाहर निकासी का आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। भाई मोहनिया जी, आप लोग कहते हैं आप जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, अगर आप जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं तो संगम विहार में जल कहां है? जल को लोग तरस क्यों रहे हैं? और जल है, जल अगर कहीं है तो पानी की टैंकर की माफिया चलती है, और पानी की टैंकर की माफिया में भाई दिनेश मोहनिया जी आपका भी नाम शामिल है, आपके भी उस पर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, ये तो परिस्थिति किया। हमारे संगम विहार में शिक्षा कहां है, स्वास्थ्य कहां है, 12वीं तक की स्कूलें कहां है? हमारे महिलाएं परेशान क्यों है? उनके पर अगर बारिश हो जाती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल जाने के लिए जो ऑटो किराया है उनको दुगुना देना पड़ता है। ये सारी परिस्थिति आपने संगम विहार की कर दी। भाई मोहनिया जी, ये बताइए कि कूड़े का निष्पादन क्यों नहीं होता संगम विहार से? भाई दिनेश मोहनिया जी, लोग कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं जहां कहते हैं कि जहां महिलाओं की सम्मान होती है वहां ईश्वर और अल्लाह विराजमान करता है। भाई मोहनिया, हमने आपकी एक फोटो देखी है, हमने फोटो देखी है आपकी, आप विधायक रहते हुए पुलिस पकड़ के आपको जेल ले जा रही थी, दोनों तरफ से पुलिस पकड़ी हुई थी, आपकी फोटो देखी कि फोटो इसलिए हमने पता किया कि भाई विधायक को क्यों लेके जेल जा रहे हैं, आपके ऊपर महिलाओं से छेड़खानी रेप केस जैसे का आरोप है, महिलाओं के साथ आपने दुर्व्यवहार किया है, आपको तो नॉमिनेशन का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर कीर्ति आजाद जी अपने कार्यकाल में ऐसे कार्य किए होते तो उन्हें जनता गालियों से जूतों की माला पहना के स्वागत करती। और हम अपने बारे में कहने, हमें अनुभव है काम करने का, हमें मालूम है सर, आज हमारे 25 साल के राजनीतिक जीवन में कीर्ति आजाद जी 3 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं, उन्होंने जो कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं, सड़कें बनवाई है, अस्पताल खुलवाया है, एम्स ले गए, एयरपोर्ट ले गए, सारी चीजें, शिक्षा का व्यवस्था किया, यह जिसकी जिक्र उनका पार्लियामेंट में भी हुआ करता था।
हमें मालूम है कि सड़कें कैसे बनवाई जाती है, हमें मालूम है जल कैसे लाया जाता है, हमारे पास वो अनुभव की लड़ी है, हमें मालूम है क्या करना है। और हमारे ससुर श्री भागवत झा आजाद जी ने हमें एक ही पाठ सिखाया कि अगर राजनीति करना हो बेटा तो जनता की सेवा ईमानदारी से करना, यही सीख हम और आज हम ससुर, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे दोनों नेता बोलने वाले हैं, एक ही चंद हमें ससुर को आज याद करते हुए कहना चाहेंगे कि हमारा सपना है कि संगम विहार का विकास हो और इतना विकास हो कि भारत के नक्शे पर संगम विहार खड़ा हो जाए। और यही ससुर का लाइन हम कहना चाहेंगे, कोटि कोटि आंखों का सपना तुम साकार करोगे, कोटि कोटि अरमानों में तुम नूतन रंग भरोगे, यह देश मांगता त्याग क्या दोगे तुम अपनी जवानी, यह देश कह उठेगा जय जय नवहिंद का पानी, जय जय नव। एक बात पुनः अपने समाज से हम कहते हैं कि अपनी बहन और बेटी का लाज रखें। धन्यवाद।